ஓஹோ சூரிய சே முக்கடை பே கல கல சசுமா நஞ்சிக்கு 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 इसका मतलब हमारा मुंह सुअर जैसा है। ओहो सुअर का तेरे सूरत को कह रहा हूँ, बड़ा तो पूरी सुअर है। हमेशा बेइज्जती करी है मेरी। सन्नो 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 ओ सन्नो ओ बहन की लोड़ी दत्तो इधर आ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? सन्नो कहाँ है? अरे देखो यहीं कहीं पे होगी अपनी बकरी। ओ बकरी दत्तो, तूने बकरी कैसे बोला? मेरे जिगर की चल रही है वो। सन्नो सन्नो कहवे सिर पूछे सन्नो, तो ढूंढ के लाऊ उसे। ढूंढती हूँ शायद वो जंगल की ओर चली गई होगी। सन्नो अब किसका दूध पीऊंगा? सन्नो बकरी और ही बकरी बकरी सॉरी सॉरी सन्नो और ही सन्नो सन्नो और ही सन्नो। हाँ बाबा, मेरी सन्नो को इन्होंने जरूर देखा होगा, चलो इनसे पूछ लेती हूँ। बाबा ओ बाबा, तुमने मेरी सन्नो देखी है क्या कहीं? मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सन्नो कौन? सन्नो हमारी बकरी का नाम है। बाबा सुन भी रहे हो ना बाबा? बाबा अरे बाबा कुछ तो बोलो बाबा, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं सुनेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाबा उठ, उठना। अरे बाबा उठना। अरे ये तो उठ ही नहीं रहा, क्या करूं क्या करूं? आइडिया, ये कैसी हवा थी बदबूदार, किसने करी मेरी तपस्या भंग मूर्ख? बाबा मैंने की है तुम्हारी तपस्या भंग, अब मुझे बता दो मेरी बकरी कहाँ पे? तूने मेरी तपस्या भंग करी है एक बकरी के चक्कर में, मैं तुझे शराब देता हूँ। हट बाबा शराब, अगर गफ्फार जी ने देख लिया ना मुझे शराब पीते हुए तो मुझे तो मारेंगे, तुझे और साथ में मारेंगे। पिला नहीं है तो स्टिंग पिला, 25 रुपये कहती है। अबे साली मैं उस शराब की बात नहीं कर रहा, मैं शराब की बात कर रहा हूँ जो तुझे आज शाम 5 बजे मेरा शराब लगेगा और तू दमा भी बन जाएगी। मतलब कुछ भी नहीं बताना है तो मत बताओ, मगर ये फालतू की बातें तो मत करो। दमा भी बन जाएगी, ये बन जाएगी, वो बन जाएगी, मैं भी देखती हूँ तेरा शराब शाम को 5 बजे। जा रही हूँ मैं। हल्के में ले रही है दुष्ट बालक, अगर आज शाम को 5 बजे फटके इसके हाथ में नहीं आई ना तो मेरा नाम भी काले बाबा नहीं। शराब देंगे शराब, द मम्मी बनाएंगे। वो तो मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना मुंह पे ऐसे दांत मारती कि पूरा मुंह बिगड़ जाता। गफ्फार जी, ओ गफ्फार जी। हाँ बता क्या बोल रही है? वो बकरी नहीं मिली। बकरी? और ही वो देड़ का सन्नो, सन्नो सिर्फ सन्नो कहना उसे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई सो मच सॉरी। अरे यार देड़ का माफ कर दिया, चला गया क्या बता? हाँ हाँ फिर भी सॉरी, आई लव यू वाला सॉरी, आई मिस यू वाला सॉरी, सॉरी बाबू सॉरी। चुप चुप बिल्कुल, आगे का बता, कैसे सन्नो मिली या नहीं मिली? पहली बात तो गफ्फार जी आप गुस्सा नहीं होंगे, और दूसरी बात ये कि सन्नो नहीं मिली, आप टेंशन नहीं लेने का, सन्नो शाम तक घर वापस आ जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ ही खाना खाती है, क्योंकि वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है। देखो उसके और मेरे दांत एक जैसे मिलते हैं। अरे हाँ दांत तो इसको बिल्कुल सेम ही है, मैंने कभी इस बात पर गौर किया ही नहीं। चल मैं सोने जा रहा हूँ, सन्नो आ जाए तो मुझे बता देना। बोर कर दिया देड़ का ने। चलो एक बला तो टली, और रहे प्यारे हमारे बाबा जी, उनका श्राप लगा ही नहीं मुझे अभी तक। चलो टाइम देख लेती हूँ, अभी तक 1 मिनट बाकी है।
ये भी पूरा हो जाएगा। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, चलो ये भी पूरा हो गया। ओहो, एक गिलास पानी तो ला दे। अरे ना सुन रही क्या देड़ का। ओहो, एक गिलास पानी ला दे, मैं ही आ रहा हूँ ले। ओहो, ओहो, अबे ये क्या जा बे? ओहो, ये तो मेरे दत्तू है, तुझे ये क्या हो गया? डिस्काउंट डिस्काउंट। चचा यार, मेरे उधारी के पैसे दो, मेरे दादा की बीच की टांग टूट गई है। नहीं 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 नहीं, कुछ ज्यादा और हो जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ, मोच मोच मोच, हाँ मोच। चचा यार, मेरे उधारी के पैसे दे दो, मेरे दादा की बीच की टांग में मोच आ गई है। हाँ हाँ हाँ, इससे चाचा मान भी जाएगा। अरे चाचा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मेरे उधार के पैसे दे दो यार, मेरे दादा की बीच की टांग में मोच आ गई है। ओहो, अबे तुझे तेरे दादाजी की पड़ी है? तेरा दादा गया बाहर में, अपने चाची को जाकर देख, पट्टी लपेटे दा मम्मी बनी पड़ी है, जाके देखो उसे जरा क्या हुआ है। हाँ, अभी देख के आता हूँ। चाचा, रजनीकांत बिलीव दिस यार, रजनीकांत बिलीव दिस, ये कब किसने किया ये? अरे बताइए, सन्नो को देखने गए थे जंगल में, वहाँ से आई है और तब से इसका सुअर बन गया है। चाचा चाचा, तुम कितने सुअर हो, मोहल्ले के नामी ग्रामी सुअर हो। ओहो, बहुत चिकनाई वाला लगा है यार। चाचा एक गूंगे मत लगाओ यार, आखिर क्या हुआ चाची को, मैं जंगल में जाके देख लूंगा। तो ऐसा कर, ढाई ढाई स्टार के दो रेस्टोरेंट ढूंढ, उसमें लेकर जा, ठीक है? और कोई भी जरूरत हो तो तेरे भाई को फोन करना, तेरा भाई हर टाइम अवेलेबल है। अरे रमेश दलाल भाई, कोई शेर वेर तो सुना दो, बहुत दिन हो गए। अरे कैसी बात कर दिल्ली, सुनो यार, मोहब्बत हो गई थी उनको हमसे। सुना रहा हूँ, सुनो, मोहब्बत हो गई थी उनको हमसे। अरे वाह, मजा आ गया। चुप चुप चुप, सुना तो रिया हूँ, साले पहले वाह वाह करे जा रही है। वाह 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 वाह, मैं साले पूरा शेर ही बुला दिया। अरे अच्छा रमेश दल्ले, तू यहीं मिल गया, पता नहीं यार चच्ची को क्या हो गया है। हाँ, अबे तो सुरेश तू को टेंशन ले रहा है, चाचा दूसरी शादी कर लेगा। अबे चाचा दूसरी शादी नहीं करेगा, चाचा को छह छह फेफड़ों वाली बहू कहाँ मिलेगी, चच्ची के पूरे छह फेफड़े। तो फिर करना क्या है? अबे यार करना क्या है, चचा बहुत रो रहा है, मुझे तरस आ रहा है चचा पर, तू चल बस मेरे साथ जंगल में। अबे वहाँ हम करने क्या जा रहे हैं? अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर कैसे पता है? ये बात तो हमें वहाँ जाकर पता चलेगी, तू चल बस मेरे साथ। रमेश यार, बकरियाँ तो यही चुकती है। अबे हाँ यार, यही चुकती है। मगर चच्ची के साथ हुआ क्या? क्या हुआ मुझे भी बता। तू चुप रहे, तुझे पूरे सीन का नहीं पता, मुझे पता है खाली, कौन बताएगा यार। अबे बाबा, बाबा बताएंगे उसके बारे में। आ बाबा। अबे कौन है बे, चल भाग यहाँ से, अब मैंने सट्टे का नंबर देना बंद कर दिया। अबे तो बाबा, हम तुम्हें सट्टे का नंबर लेने कब आए? बाबा यार, हम तो कुछ पूछने आए हैं तुमसे। पूछो जो जो पूछना है,
बाबा यार हमारे मोहल्ले की एक क्यूट सी लड़की आई थी यहाँ पे, उसके दांत निकल रहे थे। हाँ रमेश भाई बाबा को सब पता है। हाँ बाबा हाँ, उसके बाल कट रहे थे। अबे सुरेश बाबा को तो सब पता है यार, ये तो चमत्कार ही है। तो बाबा उसके मुंह में से बदबू भी आ रही होगी। उसके मुंह में से बहुत बुरी बदबू भी आ रही थी। अबे सब पता है, चलो गया काम। अबे अरे 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 बाबा से आगे भी तो पूछने थे। बाबा पता नहीं उसके क्या हो गया, दम अम्मी बन गई। वह दम अम्मी नहीं, मेरा शराब था। उसने मुझे परेशान किया और मेरी तपस्या बंद कर दी थी उसने। हाँ बाबा सही बोल रहे हो, बड़ी जाहिल हो रहे थे वो। अबे चुप, दो बार जाहिल बोल उसे। जाहिल जाहिल, और तू भी बोल उसे। जाहिल जाहिल। बाबा यार तुम अपना शराब वापस ले लो यार, तुम अपने कीबोर्ड का कंट्रोल जेड दबा दो। अबे ओ मेरा कंट्रोल टी है, मेरा कीबोर्ड खराब है। बाबा बाबा तुम कीबोर्ड का कोई सा बटन दबाओ मगर उन्हें ठीक कर दो, उनका इकलौता आदमी यार, अब वो बहुत रो रहा है। अबे रमेश, बाबा एक्सक्यूज मी, अबे रमेश साले हर औरत का एक इकलौता आदमी होता है। बाबा बाबा हो गया, जाहिल ये साला एक नंबर का। बाबा यार कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे हमारी चच्ची ठीक हो जाए। आतिमताई देखिए 26 बार मेरे इससे, तुमने 27 बार भी देखी होगी ना, ये पकड़ो। बाबा ये क्या है? ये कुछ सवाल है जिनके तुम्हें आंसर ढूंढने हैं। अबे 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 मैं समझ गया, जैसे जैसे हम सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे चच्ची ठीक होती रहेगी, है ना बाबा, है ना। देख कितना समझदार है, किसका है ये? विलियम कबूतरबाज गए। विलियम कबूतरबाज, वो तो बचपन के दोस्त थे अपने। मगर बाबा हातिम दाई फिल्म में तो 7 सवाल होते हैं, तुमने 3 क्यों दिए? अबे मेरे सर आपका बजट थोड़ा कम था इसलिए 3 ही है। और तुम जल्दी से जल्दी इन सवालों का जवाब ढूंढने लग जाओ, तुम्हारे पास वक्त तो बहुत कम है, वरना वो वैसी की वैसी रह जाएगी। अबे रमेश रमेश। हाँ सुरेश सुरेश। जल्दी चल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मगर बाबा हम इन सवालों का जवाब कहाँ ढूंढेंगे? देख कितना समझदार है, ये पकड़ नक्शा और इसमें जहाँ जहाँ गोल गोल निशान लग रहे हैं वहाँ तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम।